नाज़रीन आदाब, उर्दू खबरनामा में आप तमाम का खैर मकदम है। मैं मोहम्मद एजाजुद्दीन। खबरों की शुरुआत पर आइए देखते हैं सुर्खियां। कोरोना वैक्सीन की तकसीम के से मुतालिक वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का अहदेदारों के साथ एक अहम इजलास। हर शहरी के लिए कोरोना वैक्सीन की सरबराही को यकीनी बनाने का मशवरा। रियासती वजीर के तारक रामाराव ने कहा, इंतखाबात के बाद सैलाब मुतासिन के साथ किया जाएगा इंसाफ। बीजेपी पर आवाम को गुमराह करने का लगाया इल्जाम। बंडी संजय ने कहा, आवाम टीआरएस कायदीन के झूठे प्रोपगंडे से बखूबी वाकिफ। इंतखाबात में बीजेपी की कामयाबी पर तमाम वादे किए जाएंगे पूरे। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के हाथों चेन्नई में कई तरक्की कामों का अफ्तताह। मुल्क की तरक्की में तमिलनाडु की शराकतदारी की सताइश। और नेगरोटा वाक़े पर पाकिस्तानी हाई कमिश्नर को हिंदुस्तान ने जारी किया समन, दहशतगर्दों की ताइद बंद करने का किया मुतालिबा। कोविड-19 से महफूज रहने के लिए शख्सी हिफाजत के लिए इकदाम करेंगे। आइए मुसलसल मास्क पहने, दो गज की दूरी की बरकरारी को यकीनी बनाएं और मुसलसल अपने हाथों को साफ करें। और अब खबरों की तफसील। मुल्क में अनकरीब कोरोना वैक्सीन दस्तियाब होगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने वैक्सीन की तकसीम के मसले पर मुख्तलिफ आवामी तंजीमों के साथ जायज़ इजलास तलब किया। इस इजलास में नीति आयोग के अहदेदारों ने भी शिरकत दी। वज़ीर आज़म ने अपने ट्विटर पैगाम में बताया कि इजलास में कोविड वैक्सीन की तैयारी और तकसीम के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास में इस बात का भी जायजा लिया गया कि वैक्सीन के मार्केट में आने पर यह वैक्सीन किससे पहले दी जानी चाहिए। इस दौरान मुल्क में 5 वैक्सीन जांच के आखिरी मराहल में है। मुल्क में तैयार होने वाली वैक्सीन में बांग्लादेश, म्यांमार, कतर, भूटान, स्विट्जरलैंड, बहरीन, ऑस्ट्रेलिया और जनूबी कोरिया दिलचस्पी दिखा रहे हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज गांधीनगर में पंडित दीनदयाल पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी के 8वें जलसे तकसीम असनाद के मौके पर 5 जदीद मराकज़ का इफ्तिताह किया, जिनमें 45 मेगावाट की सलाहियत वाला मोनोक्रिस्टलाइन शमसी वोल्टेक पैनल भी शामिल है, जिसे 17 करोड़ की लागत से जीएडीए ने कायम किया है। वज़ीर आज़म ने टेक्नोलॉजी कारोबारी इनक्यूबेटर का भी आगाज किया। इसके अलावा उन्होंने गुजरात के खेलकूद से मुतालिक अथॉरिटी की जानिब से कायम किए गए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का भी इफ्तिताह किया, जिसे 15 करोड़ रूपये की लागत से तामीर किया गया है। वज़ीर आज़म ने राइजन 2020 के तहत भारत और यूरोपीय यूनियन के प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया, जिसका मकसद सनअती कचरे को ठिकाने लगाना है। इस तकरीब में बजरिया ऑनलाइन गुजरात के चीफ मिनिस्टर विजय भाई रूपानी और पंडित दीनदयाल पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी के गवर्नर्स बोर्ड के सदर मुकेश अम्बानी भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म ने अपने खिताब में कहा कि हुकूमत मुल्क में कार्बन के अखराज को 30 से 35% कम करने के इकदाम कर रही है। उन्होंने कहा कि कोविड वबा के पेश नज़र दुनिया भर में तवानाई के शोबे में कई तब्दीलियां रोना हो रही हैं। इस शोबे में सनअतों के क्याम और रोजगार के वसीतर मौके हैं। वज़ीर आज़म ने तलबा से इन मौकों से फायदा उठाने की ख्वाहिश की है। मुझे विश्वास है कि आप अपनी स्किल, अपने टैलेंट, अपने प्रोफेशनलिज्म से आत्मनिर्भर भारत की बड़ी ताकत बन के उभरेंगे। आप जैसे स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स के लिए एक विशेष फंड भी बनाया गया है। रियासती वजीर बल्दीन अजमल के तारक रामाराव ने खुतबुल्लापुर में जबरदस्त रोड शो मुनक्द किया। रोड शो में आवाम की कसर तादाद ने बतकुम्मा और बोनाल के जरिए केटीआर का इस्तेमाल किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हैदराबाद की तरक्की के जरिए ही रियासत की तरक्की होगी। उन्होंने अपने खिताब में बीजेपी पर तनकीद की। हैदराबाद ओट्ल वेट कोसम आयन अटाड़ मी मम्मी गेलिस्ते चला कटू बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय ने कहा है कि अवाम टीआरएस पार्टी कायदीन की जानिब से की जा रही झूठी तशहीर और साजिश का बगौर मुआयना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो रियासती वज़रा की जानिब से किए जाने वाले झूठे वादों की मजम्मत करते हैं। उन्होंने जीएचएमसी इंतखाबात में बीजेपी की कामयाबी पर तमाम वादों को पूरा करने का तयकुन दिया।
मलकाजगिरी के रुकने पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने मुतालबा किया कि हैदराबाद की तरक्की पर 67,000 करोड़ रुपए खर्च करने का दावा करने वाले ये बताएं कि ऊपर डिवीजन पर कितनी रकम खर्च की गई। उन्होंने सवाल किया कि अगर ऊपर डिवीजन में अगर तरक्याती काम करवाए गए तो फिर उम्मीदवार को फिर क्यों तब्दील किया गया। रेवंत रेड्डी ने टीआरएस और बीजेपी पर आवाम को गुमराह करने का इल्जाम आयद किया। उन्होंने ये रिमार्क्स ऊपर डिवीजन में टीआरएस के बास कारकुनों की कांग्रेस उम्मीदवार रजिता परमेश्वर रेड्डी की क्यादत में पार्टी में शमूलियत के मौके पर की। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात के लिए तैयारियां जोरों शोर से जारी है। आइए देखते हैं कुछ अहम व मुख्तसर खबरें। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात के लिए पर्चे नामजदगियों के अतकाल का अमल मुकम्मल होने के बाद पर्चे नामजदगियों की तनखी का अमल जारी है। कल दोपहर 3 बजे तक पर्चे नामजदियों से दस्तबरदारी इख्तियार की जा सकती है। ये अमल मुकम्मल होने के बाद इलेक्शन कमीशन की जानिब से उम्मीदवारों की खतई फहरिस्त कल जारी की जाएगी। टीआरएस पार्लियामेंट्री पार्टी के कायद व टीआरएस के सेक्रेटरी जनरल के शराव ने कहा कि जीएचएमसी इंतखाबात में नशस्तों की तकसीम के मामले में समाजी इंसाफ को अव्वलिन तरजीह दी गई है। खास तौर पर खवातीन बीसी और एससी तबके को मुनासिब नुमाइंदगी फराहम की गई है। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर उत्तम कुमार रेड्डी ने इलेक्शन कमीशन से कहा है कि जीएचएमसी इंतखाबात गैर जानिबदाराना तौर पर करवाए जाएं। उन्होंने इस सिलसिले में एक बयान जारी किया और इल्ज़ाम आयद किया कि टीआरएस पार्टी इंतखाबी मुहिम के लिए सरकारी इमलाक का इस्तेमाल कर रही है। टीआरएस पार्टी ने रियासती इलेक्शन कमिश्नर पार्था सारथी से शिकायत की है कि वो मजहबी मुनाफरत को हवा देने की बातें करने वाले बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट बंडी संजय की गिरफ्तारी के अहकाम जारी किए जाएं। इसके अलावा चीफ मिनिस्टर के खिलाफ तोहिन आमेज रिमार्क्स पर भी संजय के खिलाफ सख्त कार्रवाई की अपील की। पर्चे नामजदगियों के अतकाल मुकम्मल होने के बाद भी बीजेपी के टिकट के हुसूल के ख्वाहिशमंद उम्मीदवार पार्टी दफातर के सामने एहतजाज कर रहे हैं। बालानगर फतेहनगर डिवीजनों में पार्टी कारकुनों ने दफातर पर हमले करते हुए फर्नीचर को नुकसान पहुंचाया। जीएचएमसी इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए इस मरतबा बड़े पैमाने पर पर्चे नामजदगियां दाखिल की गईं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 150 वार्ड्स के लिए 1932 उम्मीदवारों ने 2592 नामजदगियां दाखिल की। रियासती वजीर बरखी जगदीश रेड्डी ने बीजेपी पर इल्ज़ाम आयद किया है कि उसका मकसद झूठी तशहीर करते हुए इंतखाबात में कामयाबी हासिल करना है। उन्होंने कहा कि बीजेपी कायदीन को ये बात जहन नशीन कर लेनी चाहिए कि इस तरह की हरकतों से वोट हासिल नहीं होते। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार ने कहा है कि इंतखाबात के पेश नज़र हैदराबाद में मौसर सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि आवाम की जानिब से बिला खौफ व खतर और मुश्किलात के बगैर रायदही में हिस्सा लेने के लिए पोलिंग मराकज के पास सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए जा रहे हैं। टीआरएस पार्टी की जानिब से जीएचएमसी इंतखाबात की मुहिम में हिस्सा लेने वाले स्टार कैंपेनर्स की फहरिस्त जारी की गई है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के अलावा पार्टी के कारगुजार सदर तारक रामा राव, रियासती वज़रा हरीश राव, के ईश्वर, सबिता इंदिरा रेड्डी, पी अजय कुमार और सत्यवती राठौड़ इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेंगे। हैदराबाद शहर में बल्द इंतखाबी सरगर्मियां जोरों शोर से जारी है। जीएचएमसी के खदीम जोन चार मीनार पर पेश है हमारी खास रिपोर्ट। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हदूद में बल्दी इंतखाबी सरगर्मियां उरूज पर हैं। पर्चे नामजदगियों का अमल मुकम्मल हो गया है। 22 नवंबर को पर्चे नामजदगियों की दस्तबरदारी की आखिरी तारीख है। 1 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। टीआरएस, कांग्रेस, बीजेपी, मजलिस और बयानबाजों की जमातों के बशमूल कई आजाद उम्मीदवार भी इस इंतखाब में हिस्सा ले रहे हैं। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को 6 जोन में तकसीम किया गया है। एलबी नगर, चारमीनार, खैरताबाद, सिकंदराबाद, शेरलिंगमपल्ली और कुकटपल्ली हैं। जीएचएमसी में वार्ड की कुल तादाद 150 है। आज हम चारमीनार जोन के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। चारमीनार जोन बल्दिया हैदराबाद का सबसे कदीम जोन है, जो शहर के तारीखी इमारत चारमीनार के नाम से मौसूम है। चारमीनार जोन 5 बल्दी सर्कल्स पर मुश्तमिल है, जिनमें चारमीनार के बशमूल मलकपेट, संतोष नगर, चंद्रायन गुट्टा, फलकनुमा और राजेंद्र नगर शामिल हैं। चारमीनार सर्कल में जुमला 36 वार्ड हैं। पुराने शहर का सबसे बड़ा हिस्सा इस जोन में मौजूद है। नए शहर के मुकाबले यहाँ के बल्दी मसाइल भी मुख्तलिफ हैं। गुंजान आबादी, तंग गलियां यहाँ की मुनफरिद पहचान बनी हुई है। यहाँ के ज्यादातर लोग छोटे मोटे कारोबार करते हैं। चारमीनार जोन में चोमल्ला पैलेस, फलकनुमा पैलेस के बशमूल कई तारीखी इमारतें भी मौजूद हैं।
चारमीनार का दामन चूड़ियों और मोतियों के कारोबार के लिए भी मशहूर है। इन दिनों चारमीनार जोन में बल्दी इंतखाबात की गहमा गहमी देखी जा रही है। रायदहिंदों में काफी जोश खरोश देखा जा रहा है। रायदहिंदों का कहना है कि इंतखाबी वादों को पूरा करना कामयाब उम्मीदवार का फर्ज है। अपने वोट का सही इस्तेमाल करे, सही इस्तेमाल करे और जो है सही जो है कंटेस्टर को चूज करे, क्योंकि हमारे पास ना कोई जो है दबाव है किसी का ना कुछ है, लेकिन हमारा ये काम है कि हम अच्छे मीन्स राजनेता को चूज करें और जो है अच्छी राजनीति के लिए उनको मौका दे, क्योंकि हमारे पास जो है अभी आज का हालात ये है कि पब्लिक डेवलपमेंट चाहती है। डेवलपमेंट ये जो है एक बेसिक नेसेसिटी है हर सिटी की। कौन सी भी वोटिंग रहें दो, चाहे GHMC इलेक्शन रहें दो, चाहे MLA रहें दो, चाहे MP रहें दो, यहाँ पर जो है वायलेट पेपर वोटिंग होना बहुत जरूरी है, इंतहाई जरूरी है। इस बार बैलेट पेपर पे वोटिंग ही हो रही है, आप तो बैलेट पेपर पे वोटिंग हो रही है, इस पर आपकी क्या राय है? जी हाँ, यहाँ बैलेट पेपर के ऊपर जो है ना मैं इत्मीनान बख्शूं बस। जबकि बाज रायदहिंदों का ये भी कहना है कि मुंतखब उम्मीदवार सबके लिए अच्छा काम करना चाहिए। पहले वोट की तरक्की नहीं थी, अब तरक्की है। पहले वोट की तरक्की नहीं थी, अब तरक्की है। लगा फसल है लेकिन अच्छे ही है, लेकिन सोचना समझना सही करना इंसान के साथ, इंसान का भला होना, कौन भी हंदे को सा भी आप लीडर हंदे को सा भी लीडर हंदे अच्छा रहना, नुकसान नहीं होना। जो भी वो वादे करे वो जरूरी है कि बोलने से करने से हो, वोटिंग से पहले जो बोलते वो वोटिंग के बाद जरूर करें, पूरा करें और बच्चों की तालीम पे गरीबों पे ध्यान दें। जो लीडर्स हैं बड़े बड़े वादे करते, लेकिन इतना है कि लीडर्स को चाहिए जो वादे करें वो पूरे करना चाहिए। नॉट ओनली अबाउट द वेलफेयर ऑफ द सिटीजन्स बट ऑल्सो ही शुड बी फोकस ऑन देयर एजुकेशन ऑल्सो, और बच्चों की तालीम पे एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि अगर एजुकेशन सिस्टम अच्छा रहेगा तो सो देट अवर कंट्री कैन डेवलप। चारमीनार जोन में इंतखाबात के पेश नज़र पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के मौसर इंतजाम किए गए हैं। तमाम हसास मकामात पर इजावी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है ताकि इंतखाबात का अमल खुशगवार अंदाज में पूरा हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन न्यूज। बीजेपी के सीनियर कायद व मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह तमिलनाडु के दौरे पर हैं। उन्होंने चेन्नई में पांचवें आबिद जखायर को आवाम के लिए वक्फ किया। इसी तरह 61,000 करोड़ की लागत से चेन्नई मेट्रो के दूसरे मरहले के कामों का इफ्तिताह किया। इसके अलावा जिले कोयम्बटूर में 1,620 करोड़ की लागत से रियासत के सबसे बड़े सुरंग के रास्ते की तामीर का संग बुनियाद रखा और इसके अलावा दरियाए कावेरी का 406 करोड़ की लागत से पुल की तामीर का इफ्तिताह किया। अलावा से उन्होंने 3,200 करोड़ की लागत से इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के तीसरे प्रोजेक्ट को शुरू किया। नाजरीन, आज के उर्दू खबरनामा में फिलहाल इतना ही। आप देखिए सुर्खियां और मुझे दीजिए इजाजत। शब बख़ैर। अब आप दूरदर्शन यादगिरी की खबरें सोशल मीडिया पर भी देख सकते हैं। YouTube पर DD News तेलंगाना, Twitter पर DD News तेलंगाना @DD यादगिरी News और Facebook पर DD News तेलंगाना का मुशाहिदा किया जा सकता है।